दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि आपकी गाड़ी के चारों टायर्स की लाइफ एक सी क्यों नहीं होती? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि एस्केलेटर्स की साइड्स में ये ब्रश सा क्यों लगा होता है? अच्छा, आप ये तो जानते ही होंगे कि राजस्थान के सभी बड़े शहरों का अपना एक कलर कोड है और ये शहर दूर से देखने पर इसी रंग के दिखाई देते हैं। क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों है? नहीं सोचा तो भी आज का मुहूर्त है बहुत शुभ, क्योंकि इन सवालों के जवाब के अलावा मैं और भी ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ हाजिर हूँ एक बार फिर। तो बिना माथे पर डाले एक भी बल थाम लीजिए अपने हाथ में चाय कॉफी का मग और बैठ जाइए अपनी अपनी सीट्स पर। अगले 10 मिनटों के लिए लेकर चलूंगा आपको एक रोमांचक सफर पर। तो बिना जरा भी और देर किए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने भी शॉपिंग मॉल्स या फिर थिएटर्स में इन शानदार एस्केलेटर्स का मजा तो जरूर लिया होगा। आपने ये भी देखा होगा कि इन ऑटोमेटिक स्टेयर्स के दोनों साइड ब्रशेस होते हैं। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि ये ब्रशेस आपके जूतों की सफाई के लिए वहां लगे होते हैं, तो आपको बता दूं कि दोस्तों आप गलत हैं। दरअसल इस ब्रश लाइन का काम एस्केलेटर की साइड और वॉल के बीच के गैप को छिपाने का होता है। अब होता क्या है कि सिक्के, पिंस या फिर हमारे शू लेसेस जैसी चीजें आसानी से इन गैप से मशीन के अंदर पहुंच सकती हैं और गियर्स में फंसकर मशीन को खराब कर सकती हैं। इसीलिए इन ब्रशेस को इंस्टॉल किया जाता है ताकि आपको गैप से दूर रखा जा सके, और इन केस अगर कोई छोटी मोटी चीज आपकी जेब से गिर भी जाए तो भी वो इन गैप्स में ना जाकर ब्रशेस से डाइवर्ट होकर स्टेयर्स पर ही रहे। तो इन ब्रशेस से आप अपने जूते जरूर साफ करें, लेकिन ये भी ख्याल रखें कि इन गैप्स में कुछ ना गिरे। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों अगर आप एक गाड़ी के मालिक हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि गाड़ी के चारों चक्के एक साथ नहीं घिसते। जहां अगले टायर्स में हमें वेयर टेयर ज्यादा देखने को मिलता है, तो वहीं पिछले चक्के अगले चक्कों की तुलना में कम ही घिसते हैं। दोस्तों जब चारों टायर बराबर ही सफर करते हैं तब ऐसा हो कैसे सकता है? दरअसल इसके पीछे कई कारण हैं, जिसमें से सबसे पहला है इंजन लोड का अगले टायर्स पर केंद्रित होना। साथ ही चूंकि हम स्टेयर सिर्फ अगले टायर्स को ही करते हैं और पिछले टायर्स सिर्फ उन्हें फॉलो करते हैं, इसीलिए फ्रंट टायर्स पर पड़ने वाला स्टीयरिंग फोर्स भी इन टायर्स का वेयर एंड टेयर बढ़ा देता है। और दोस्तों इसका तीसरा सबसे मेजर कारण है ब्रेकिंग फोर्स। जब भी हम अपनी गाड़ी की ब्रेक्स लगाते हैं, गाड़ी का वेट पीछे से आगे की तरफ ट्रांसफर हो जाता है, जिस कारण अगले टायर्स को ब्रेक लगाने के लिए ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। ये एक्स्ट्रा फोर्स भी टायर्स को घिसता है। वहीं दोस्तों अगर आप अपनी गाड़ी के टायर्स की प्रॉपर रोटेशन और टाइमली अलाइनमेंट करवाएंगे तो टायर्स का ऑप्टिमम इस्तेमाल भी मुमकिन है। ये सिर्फ आपके टायर्स का बेहतर इस्तेमाल ही नहीं होता, बल्कि आपकी राइड और हैंडलिंग क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर देगा। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान की सभी मेजर सिटीज के अपने कलर थीम्स हैं? जैसे कि जोधपुर को ब्लू सिटी कहते हैं और बीकानेर को द रेड सिटी। दरअसल ये रंग इन शहरों और इनसे जुड़ी रियासतों की अपनी अलग पहचान रखने का एक जरिया बरते। जयपुर की बिल्डिंग्स हमेशा से गुलाबी नहीं थी, ये तो 19वीं सदी में महाराजा सवाई राम सिंह की एक रानी की जिद पर सभी नई इमारतों को गुलाबी रंगा गया, क्योंकि पिंक उनका फेवरेट कलर था। अब उदयपुर की बात करें तो वहां का महल और ज्यादातर इमारतें मार्बल से बनी हुई हैं, और इसी आइकॉनिक व्हाइट मार्बल से इस शहर को द व्हाइट सिटी होने की पहचान मिली है। वहीं जोधपुर और बूंदी में आपको अधिकतर घर और इमारतें नीली ही रंगी दिखेंगी। इसके पीछे का कारण इतिहासकार यहां पड़ने वाली अत्यधिक गर्मी को मानते हैं। चूंकि नीला रंग सनलाइट के लिए एक अच्छे रिफ्लेक्टर का काम करता है, इसीलिए ये रंग इनके शहर को ठंडा रखने का काम करता है। तो दोस्तों आप किस रंग की सिटी में जाना पसंद करेंगे, नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों जहां हर कोई अपने माता पिता को दुनिया की बड़ी से बड़ी खुशी देना चाहता है, वहीं क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोग अपनी माँ को गिफ्ट में क्या देते हैं? अगर नहीं तो बता दूं दोस्तों कि हाल ही में जनवरी 2021 में अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस ने अपनी माँ को एक कमाल का सरप्राइज दिया। दरअसल जेफ ने अपनी स्पेस कंपनी ब्लू ओरिजिन के लिए रिफर्बिश की गई एक रॉकेट रिकवरी बोट का नाम अपनी माँ के नाम पर जैकलीन रख दिया। इस बोट को बेजोस की कंपनी आसमान से लौटने वाले रॉकेट्स को रिकवर करने के लिए इस्तेमाल करने वाली है, और इस इवेंट के दौरान बेजोस की मदर को एक शैंपेन की बॉटल को शिप पर स्मैश करते हुए देखा गया। और सबसे खास बात ये थी दोस्तों कि दुनिया में सबसे अमीर बेटे की माँ के चेहरे पर भी अपने बेटे द्वारा दिए हुए गिफ्ट की खुशी साफ देखी जा सकती है। तो चाहे आप अमीर हो या गरीब, आपका गिफ्ट छोटा हो या महंगा, अपनी माँ को भी आप कभी ना कभी सरप्राइज जरूर दें। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों आपने दुनिया भर में अपनी मार्शल आर्ट की कला का लोहा मनवा चुके
इन शाओलिन मॉन्क्स को तो देखा ही होगा। इनकी गजब की फुर्ती और लड़ने की टेक्निक देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह पाता। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कंग फू, जिस चाइनीज मार्शल आर्ट का आज दुनिया भर में बोलबाला है, उसका जनक या फिर फाउंडर कोई चीनी नहीं बल्कि एक भारतीय था। जी हाँ, 6वीं सदी में भारत के पल्लव वंश में राजा के घर जन्मे बोधि नाम के छोटे राजकुमार बौद्ध भिक्षु बन गए थे। अपनी यात्राओं के दौरान बोधिधर्मन जब चीन के शाओलिन टेम्पल में गए, तब उन्होंने पाया कि वहाँ के भिक्षु अपनी शारीरिक शक्ति पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, जबकि कई बौद्ध प्रतिष्ठानों में मजबूत शरीर का होना बेहद जरूरी है। बोधिधर्मन ने वहाँ के भिक्षुओं को योगा की एक मॉडिफाइड फॉर्म सिखाना शुरू किया, जिसमें वो उन्हें मूविंग एक्सरसाइज सिखाते थे। उनकी ये मूविंग एक्सरसाइजेस भारत और चीन के इलाके में पाए जाने वाले बाघ, हिरन, सांप और तेंदुए जैसे 18 अलग अलग जानवरों की मूवमेंट पर बेस्ड थी। और दोस्तों, आगे चलकर इन्हीं सेट्स और रूटीन्स ने मॉडर्न कंग फू को जन्म दिया। तो क्या समझे? फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आपको पिज्जा कितना पसंद है? क्या पिज्जा डिलीवर होने के बाद बॉक्स खोलते हुए इससे आने वाली खुशबू आपको मदहोश कर देती है? अगर हाँ, तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि मशहूर पिज्जा चेन पिज्जा हट ने अपने कस्टमर्स की इसी क्रेविंग के लिए कुछ साल पहले एक पिज्जा परफ्यूम भी लॉन्च किया था, जिससे एक फ्रेश वुड फायर्ड ओवन पिज्जा की एपेटाइजिंग खुशबू आती थी। दरअसल इस खास लिमिटेड एडिशन पिज्जा हट परफ्यूम को कनाडा में पिज्जा हट के फेसबुक पेज पर 1,00,000 फैंस पूरे होने की खुशी में लॉन्च किया गया था, और ऐसी सिर्फ 110 परफ्यूम बॉटल्स को ही पिज्जा के फैंस के बीच बांटा गया। तो क्या दोस्तों, आप भी किसी पार्टी में पिज्जा से महकते हुए जाना चाहते हैं? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों क्या आप चीन की उस बेहद स्मार्ट लड़की के बारे में जानते हैं जिसने अपने एक दर्जन से भी ज्यादा बॉयफ्रेंड से एप्पल का नया आईफोन गिफ्ट में लिया और फिर उन सब फोन्स को बेचकर चीन की एक कंट्री साइड में एक घर खरीद लिया? जी हाँ, 2016 का ये वाक्या पहली बार पॉपुलर चाइनीज फोरम टियान याइडू पर एक यूजर ने पोस्ट किया था, जिसमें उसने बताया था कि कैसे शाओली नाम की उसकी एक दोस्त ने लगभग 20 लड़कों से उस टाइम पर न्यूली लॉन्च्ड आईफोन 7 गिफ्ट में लिया और फिर उन सभी फोन्स को हुई शो बाओ नाम की एक चाइनीज वेबसाइट पर बेचकर 1,15,000 युआन या फिर 17,00,000 भारतीय रुपए के करीब जुटा लिए। अब इन रुपयों को अपनी ऐश में उड़ाने की जगह शाओली ने इनका बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल किया और इन्हें एक घर खरीदने के डिपॉजिट के तौर पर जमा करा दिया। तो था ना दोस्तों, शाओली का ये एक बेहद स्मार्ट प्लान। फैक्ट नंबर 8, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जापान की फास्टेस्ट हाई स्पीड ट्रेन 500 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत स्पीड के साथ चलती हैं? अपने 50 साल की ऑपरेशनल हिस्ट्री में ये ट्रेन अब तक 500 करोड़ से भी ज्यादा पैसेंजर्स को ढो चुकी हैं। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज्यादा हैरानी की बात है इस हाई स्पीड रेल नेटवर्क का जीरो सेफ्टी प्रॉब्लम्स का ट्रैक रिकॉर्ड। 2019 में एक ट्रक के साथ हुए कोलिजन में हुई ट्रेन ऑपरेटर की मौत को अगर छोड़ दिया जाए, तो इन बुलेट ट्रेन्स का ऑपरेशन कुल मिलाकर फैटेलिटी फ्री ही रहा है, जो 500 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली इन ट्रेन्स के लिए अविश्वसनीय से कम कुछ भी नहीं है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों प्लास्टिक सर्जरी का नाम जब भी आप सुनते होंगे तो यही सोचते होंगे कि ये एक मॉडर्न लग्जरी है जिसका फायदा आज के समय के बड़े बड़े स्टार्स और अमीर लोग उठाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक सर्जरी का इतिहास 2,500 साल से भी ज्यादा पुराना है? जी हाँ दोस्तों, प्राचीन भारत के महान फिजिशियन सुश्रुत ने 6th century BC में ही अपनी किताब सुश्रुत संहिता में 1,000 से भी ज्यादा रोगों और उनके उपचार के अलावा सर्जरी और स्किन रिकंस्ट्रक्शन के बारे में भी डिटेल में बताया है। इस किताब में शरीर के एक हिस्से की त्वचा को निकालकर दूसरी जगह लगाने के कई प्रोसीजर्स मेंशन्ड हैं, और इन्हीं के चलते इस महान भारतीय वैज्ञानिक को फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी कहा जाता है। और अब दोस्तों, वक्त हो चला है आज के इस एपिसोड के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो हमें भेजा है SKG ने। अब इन्होंने अपना पूरा नाम तो नहीं लिखा, लेकिन ये बताते हैं कि नाइट्रस ऑक्साइड नाम की गैस को लाफिंग गैस भी कहते हैं, क्योंकि इसे सूंघकर लोग हंसते रहते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये गैस लोगों पर वैसा असर तो नहीं करती जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, लेकिन हाँ, ये गैस किसी शख्स को रिलैक्स करने के काम जरूर आती है। उदाहरण के तौर पर डेंटिस्ट नाइट्रस ऑक्साइड का इस्तेमाल पेशेंट्स पर एक माइल्ड सेडेटिव के तौर पर करते हैं, ताकि ट्रीटमेंट के दौरान उनके एंजाइटी लेवल और दर्द पर काबू रखा जा सके। इसके नाम के मुताबिक ये आपको हंसाती रहेगी, ऐसा नहीं है, बल्कि ऑक्सीजन के साथ मिलाकर इसे इनहेल करने पर हमारा नर्वस सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है, जिससे हमारा सर बेहद हल्का हो जाता है और हमें कंफर्टेबल महसूस होता है। हाँ, हंसी के नाम पर एक दो गिगल जरूर छूट सकते हैं,
लेकिन इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो इसी के साथ उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आज के इस फैक्टिफाइंग एपिसोड से आपने कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे खुद तक सीमित ना रखें और शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलेंगे अब अगले हफ्ते कुछ नए और एक्साइटिंग फैक्ट्स के साथ। तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो अंत तक देखने वाले सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।